ढेंकानाल भवन में अनुष्ठित होउछी प्रसिद्ध बलद यात्रा। एठारे पारंपरिक बलद यात्रा दुई दिन धरी अनुष्ठित हुए। प्रथमे अनुकूल यात्रा हुए, इथरे थोरिया बणिया और काचरा संप्रदायर लोके निज निजर कौलिक वृत्ति को नहीं अनुकूल पर्व पालन करती। अन्य संप्रदायर लोके भी सामिल होंति। विशेषकर थोरिया संप्रदायर लोके माँ बणीजारी पूजा अर्चना करिबा परे सुसज्जित बलद को बाजार ताले ताले परंपरा रक्षा करी सहर परिक्रमा करती। पर जगन्नाथों दर्शन करी गुजरी हाट में लुण मापी घर को फेरती। भाईचारा पर्व में संप्रदायर लोक माने यात्रा फेरी गुरुजन को प्रणाम करी अनुकूल यात्रा रे समापन करती। अविनाश दास आम सहित उपस्थित रहुचंती भुवन रो लाइव आम प्रतिनिधि अविनाश। ढेंकानाल रे प्रसिद्ध बलद यात्रा किभली भाव में अनुष्ठित होउछि एवं यार विशेषत्व कौन केमती अनुष्ठित होता है पारंपरिक नीति आर कौन रही टिके सूचना दिंतु। निहत भाव रश्मि देखूँ बड़ गाँव बड़ पर्व बा ऐतिहासिक बलद यात्रा अनुष्ठित होई। आम आसंता काल लगातार चित्र देखा जो तिथि बार रही विजया दशमी एवं परदिन एकादशी दुई दिन धरी यही बलद यात्रा अनुष्ठित होता है। पूरा अहरात्र समस्त उजागर रुहति जो भाव में पूजा पद्धति रही परंपरा रही इतिहास रही लोककथा रही माँ माँ को ऊपर विश्वास रही सब गुड़ को आधार कर यही बलद यात्रा अनुष्ठित होता है। आपन को मध्य सीधा सड़क चित्र देखू माँ को पीठर चित्र देखू जे माँ बणीजारी पीठर चित्र जे किपर भाव में प्रस्तुति रही जो माने बलद यात्रा सामिल होती विभिन्न यो भुवन गाँव विभिन्न साही विभिन्न कमिटी पक्ष जो ऐतिहासिक बलद यात्रा कर समस्ते सामिल होते से आणुंट बलद यात्रा सरवापुर समस्ते आनी माँ का पीठर परिभ्रमण कर गोटे परिक्रमा कर सारे समस्ते जाऊँच सहित अधिक आलोचना करवा जे आज्ञा ऐतिहासिक बलद यात्रा आपण गाँव अनुषित होतीबर्ष अनुषित होबर्ष आम देखुचे अनुषित हो लोक मैंने आसुंच बाहर बहुत लोग समागम हो समस्ते आसी आस्ते आस्ते ए माँ को पीठ से पहुँचे गोटे पर गोटे बलद पहुँचुची केमती देखुं कार्यक्रम बर्तमान ये सब जहाँ कि ये हूँ प्रकृतर ऐतिहासिक पर्व ये कहीं आम जो शिशु थी से पर्व पालित हो आसी आम ये जो बणीजारी पीठ पर ठिया हो यह हूँ थोरिया समाज एक हूँ पीठ यह आम लोकलोचन जहाँ आम पूर्वपुरुष शुणी आसूँ आम ये भुवन एक एक जदिव बहुल गाँ कि यह कंसा पीतल बासन एवं लुण बनवाई प्रसिद्ध कर व्यवसाय कर दीर्घ बस जितने गमनागमन सुविधा नाला और जंगल बहुल से ही बलद ता ही मध्यम तेणु थोरिया जाजी मैंने आमर एट लुण संग्रह कर पाखपाख संबलपुर केन्दुझर सुंदरगढ़ आदि को बलदर माध्यम परिवहन करी नेउथले कंसा पीतल बासन एवं सिल्वर बासन एवं लुण नहीं सीट व्यवसाय के फेरुले अतीतर कथ कि वर्तमान समय में जमी आप बलद ऐतिहासिक बलजात्रा करपण घरे नुआ वस्त्र परिधान करवा पिठापणा कर बलद को खूब साजसजा कर बलद को नीतिकांति सहित खावा पीवा दौरान साजसजा कर हाँ बलद एक प्रकृतर जी एक कृषि प्रधान देश भि बलद को आम साधारणतः आउ एक पर्व या सहित जोड़ित अनुकूल पर्व जहाँकि दशहरा ही दशमी दिन ही आरंभ होता है। साधारण गम पूर्णिमा ठारू साधारण बलदर चाष कम बंद हो जाए से हल लंगल कल और शगड़ को बंद कर रखि जाए पुणी जिते लघुधान पाचे और काटापे आरंभ हुए से दशहरा पर्व ठारू बलद को पुणी आउ थे अनुकूल कर जगन्नाथ और बणीजा ठारू अनुकूल कर आमर चाष कार्य आरंभ करता ये भुवन में रही विभिन्न जातिर पाटक लोक मैंने अर्थात जातिर लोक मैंने बणिया तेली काचरा हंसी एवं थोड़िया समाज लोक मैंने निज निज साही एवं जातिर परंपरा को एकाठी करी साही बलद बांधी ए यात्रा को सफल करने एक ऐतिहासिक यात्रा करती दुई दिन यात्रा आरंभ हुए। दशमी दिन अनुकूल पर्व एवं एगार दिन से माँ दुर्गा मृणमय मूर्ति भसाणी सहित बलद को सजाई एक भसाणी यात्रा भुवन में तैयारी होता है। से दुई दिन यात्रा होता है बहुत श्रृंखला सहित समस्ते हजार हजार लोक पाख बंधु बांधव पाख गाँव लोक आसी घर को पहुँची था व्यवसाय यात्रा तो बेस उत्साह सहित तो यही जत ऐतिहासिक बलद यात्रा को समापन कर समस्त सामिल होती आज्ञा आपण अंचल ऐतिहासिक बलद यात्रा होत वर्ष आप देखी आसत वर्ष आज आसी देखिए ढेकाना घर आरत पर्डा देखुं आगुरी आस।
ऐतिहासिक बलद यात्रा भवन में अनुषित हो दुई दिन धरिकी लोक मैंने उजागर रही बलद को ठाकुराणी परिक्रमा कराई थांती एक विश्वास रही चाषवास भल हेब एवं बलदर कौन प्रकार अनिष्ट हेब ना गाँव मध्य अनिष्ट हेब ना ये विश्वास सहित लोक मैंने प्रत वर्ष यह बलद यात्रा अनुष्ठित करिथांती पालन करिथांती। धन्यवाद आपणकर समस्त सूचना पाई अविनाश। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।